सिविल इंजीनियर्स, आप सबके लिए गुड न्यूज है गाइस। आप सबके लिए बीएम की जो न्यू बिल्कुल बैच है वो स्टार्ट हो रही है 15 अप्रैल से। जो भी लोग बीएम के अंदर अपना करियर देखना चाहते हैं, अपना करियर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि गाइस इसके अंदर बीएम के वर्क फ्लो के लिए कंप्लीट सॉफ्टवेयर लाइक रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमवीपी, नेविस वर्क, टिकला, माइक्रो स्टेशन, स्केचअप और उसके साथ ही साथ बेसिक ऑटो कैड, ये सबका पूरा कंबाइंड वर्कफ्लो आपको बताने चल रहा हूँ। और ये 4 महीने की कंप्लीट इंटर्नशिप होती है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो समय है बहुत ही प्रीमियम है, रात में 10 से 11:30। आप जॉब कर रहे हो, आप कॉलेज में हो, कोई भी इसको अटेंड कर सकता है। और इसमें वो सारी चीजें हैं जो कि आप एलओडी सर्च करते हो ना, कि इंटरव्यू में एलओडी पूछ रहे हैं, तो सारा एलओडी यहाँ पर बताया हुआ है। आप इंटरव्यू सर्च करते हो बीएम 360 बताया हुआ है। आप इंटरव्यू सर्च करते हो कैट टू बीआईएम, वो इसके अंदर बताया हुआ है। आप इंटरव्यू सर्च करते हो स्कैन टू बीआईएम, वो भी इसके अंदर बता दिया है। आप इंटरव्यू सर्च करते हो रैबिट फैमिली के बारे में, वो भी इसके अंदर बता दिया है। आप सर्च करते हो रैबिट पैरामीटर्स, सॉरी प्रोजेक्ट पैरामीटर, वो भी इसके अंदर बता दिया है। मीन्स जो चीजें एक कंपनी में बीम के किसी भी प्रोफाइल में, चाहे वो बीम मॉड्यूलर के लिए हो, चाहे बीम स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर के लिए हो, वो सारी चीजें, या फिर बीम इंजीनियर, बीम टेक्नीशियन, बीम आर्किटेक्ट, बीम इंजीनियर्स, उनको जितनी चीजें लगती हैं उन सब का कंप्लीट एक समूह बना दिया हूं। और डिटेल में सबके बारे में यहां पर आपको 4 महीने में सिखाने चल रहा हूं। बीईटी यानी बीम एजुकेशन प्लान क्या होता है, 1D से लेके 8D तक, एलओडी 100 से लेके एलओडी 500 तक, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बीम के लिए पैशनेट हो, तो ये नहीं बोलूंगा कि मैं ही बेस्ट हूं, ये एक अहंकार की निशानी होगी जो मुझे पसंद नहीं है, बट मैं एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपको दे सकता हूं जो कि गुरुकुल है। आप किसी भी कंपनी, चाहे रैम्बॉल ले लीजिए, चाहे कोबी इंडिया ले लीजिए, चाहे दार ले लीजिए, चाहे वी कंस्ट्रक्ट ले लीजिए, चाहे न्यूसॉफ्ट ले लीजिए, चाहे WSP ले लीजिए, जितनी भी बीम की टॉप एजेंसीज हैं, सर्च करिए। उसमें आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको यूनिक सिविल के ढेर सारे लोग और खासतौर से गुरुकुल बैच के, जो बीएम गुरुकुल बैच के, क्योंकि इस बैच में मैं जो तैयारी करवाता हूं, उसमें हर मंडे को आपका मॉक इंटरव्यू होता है। इसके अंदर हर एक 15 दिन पर आपके MCQ टेस्ट, नहीं तो फिर कैट टेस्ट आपकी कराई जाती है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि कंपनी के अंदर कैट टेस्ट किस तरीके से देना है। उसके साथ ही साथ इसके अंदर मैं आपका एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनवाता हूं, जिस पोर्टफोलियो को दिखाने के बाद इंटरव्यूअर ऐसे ही इंप्रेस हो जाता है कि यार जो पोर्टफोलियो फेशियल लेवल पर अगर कोई ऐसे बना सकता है, तो इससे बेहतर जो कंपनी काम करेगा तो कितना बेहतर करेगा। उसके साथ ही साथ इसके अंदर रिज्यूम जो कि ATS फ्रेंडली होता है, और रिज्यूम जो एमएनसीज को चाहिए होती है, उसके साथ ही साथ पोर्टफोलियो के साथ कवर लेटर, ऐसे मेल नहीं कर देना है, कैसे प्रॉपर मेल करना है, उसके लिए कवर लेटर क्या होना चाहिए, सब मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ ही साथ कंपनीज में कैसे अप्लाई करना है, कैसे जो लोग उस कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको कैसे अप्रोच करके रेफरेंस कैसे लेना है, इन सब के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं बस इतना कहूंगा, जो लोग भी मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, अगर आप 4 महीने के लिए आएंगे, मैं आपको निराश होकर नहीं जाने दूंगा। हार्डली 2 महीने के अंदर इतना कुछ सिखा दूंगा कि कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी पूछे बीम के अंदर। अब लोग सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं, दोस्त मेरा 8 ईयर्स हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर, 8 ईयर में मैंने देख लिया क्या क्या चीजें कंपनी को चाहिए होती हैं, वो सारी चीजें इस इंटर्नशिप में मैंने ऐड कर दिया है। तो गुरुकुल इज द माई वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस जो मैंने अब तक में क्रिएट किया है, सबसे बेहतरीन ये पैकेज रहा है कंप्लीट, क्योंकि मैंने इसके अंदर वो सर्च अभी भी करता रहता हूँ कि और क्या नया पूछ रहे हैं, उनको भी एड्स ऑन करता रहता हूँ। चाहे फिर वो टिकला के अंदर हो कि ऑर्गेनाइजर कमांड को कैसे यूज करेंगे, टिकला के अंदर कैसे जीए ड्राइंग बनाएंगे, शॉप ड्राइंग कैसे बनाएंगे, असेंबली ड्राइंग कैसे बनाएंगे, रवि स्ट्रक्चर के अंदर BBS कैसे निकालेंगे, रेनफोर्समेंट कैसे डालेंगे, कॉल आउट कमांड को कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से इनस्केप जैसे प्लगइन्स को यूज करके रेंडर अच्छा करेंगे, वॉक थ्रू अच्छा करेंगे। यानी मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, उसका रीजन है कि काफी लोग बहुत स्पीड पसंद करते हैं, यानी वो चाहते हैं जल्दी जल्दी कंटेंट मिल जाए। मैं रील्स तो नहीं बना सकता हूँ इसके लिए, क्योंकि बहुत टॉपिक है गाइस ये, बट अगर आप डेप्थ में सीखना चाहते हो तो यूनिक सिविल एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकता है। मैं कोशिश करता हूँ अपना पूरा दम लगाने की, गाइस बहुत मन लगा के पढ़ाता हूँ, और सबको पता है हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। अब मैं चाहूंगा कि जो हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, जिससे कि लोगों को भी पता चले। हमारे पास कई ढेर सारे अभी क्या बोलते हैं, होता है ना मार्केटिंग एंगल, अगर बताऊं तो जो सच बताऊं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोगों को ये चीजें बहुत ज्यादा होती है। तो भाई मैं आपको यहाँ पर जो अमेरिकन जर्नल्स होते हैं उसके बारे में बताता हूँ, बेल्जियम के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको भी देता हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड्स तो आपको देता ही हूँ, इसके अलावा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग आपको पूरा कवर कराता हूँ, जिसमें डेंसिटी हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे कवर, मतलब बेसिक सिविल इंजीनियर्स आपको आना क्या चाहिए, HR के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पूरा गाइड करता हूँ, टेक्निकल इंटरव्यू तो मेरे नोटबुक के बाहर से जाएगा ही नहीं, इसकी गारंटी लेता हूँ, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं
कि मुझे बीम सीखना है, तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपको दे रहा हूं। आइए 4 महीने के लिए और उसके बाद देखिएगा कि कैसा आपको लगता है। बाकी आप यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें ज्वाइन होकर सैटरडे संडे को हमारी मीटिंग्स होती हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए बेहतर है कि नहीं है बीम इंडस्ट्री। ठीक है, आपका गैप है कैरियर का तो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपका किसी और इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डेप्थ में आके वहां पर आप पूछ सकते हैं। बट याद रखिए बीम के अंदर मेहनत बहुत होता है गाइस, क्योंकि ये जो मैं गुरुकुल की बैच चलाता हूँ इसमें 1.5 घंटे तो मैं लाइव रहता हूँ, लगभग 1 घंटे की रिकॉर्डिंग रहती है, लगभग 2 घंटे की डेली की प्रैक्टिस होती है। ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे डेली आपको अपने आप को डेडिकेट करना पड़ता है। और मेरा बिलीव है अगर 4 से 5 महीने किसी भी चीज को आप दे देंगे अपना समय तो वो आपका हो जाएगा। और इसीलिए शायद गुरुकुल के सारे बच्चे जो 80% के ऊपर मेंटेन करते हैं अपने असाइनमेंट्स को, अपने अटेंडेंस को, उनमें से कोई भी जॉबलेस नहीं रहता गाइस। ठीक है, 80% के नीचे वालों को मैं अपना स्टूडेंट्स नहीं मानता हूं और मैं उनको गुरुकुल में आने के लिए मना करता हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि गाइस मैं चाहता हूं कि जो लोग भी मेरे पास रहे, क्योंकि मैं केवल 30 स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं मुझे, मैं 30 स्टूडेंट्स को बनाना चाहता हूं। ठीक है, ऐड करने को मैं 600 कर दूं मतलब नहीं निकलेगा अगर आउटपुट ना निकले तो। इसलिए बहुत दिल से 30 स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता हूं, अगर आप उनमें से आना चाहते हैं तो आके सीखिए। आप आएंगे तो आपको खुद ही बेहतर लगेगा, फी भी बहुत नॉमिनल है, ऐसा नहीं कि 2 लाख कर दिया है आपके लिए, हार्डली 20,000 फी है जिसको आप पार्ट्स में कर लीजिए, वन टाइम में कर लीजिए। आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर डिटेल्स में पूछ सकते हैं। और क्या बोलते हैं, अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उसको भी कवर कर देंगे। जय हिंद जय भारत, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड लोग ही इसके अंदर आए तो बेहतर रहेगा।